अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम फ्रोज़न पकोड़े बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। यहाँ पे मैंने 1.5 कप जितना बेसन लिया है। अब इसमें नमक डालेंगे हसबे जायका, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून साबित ज़ीरा, 2 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, एक मीडियम साइज की प्याज कटी हुई डालेंगे, साबित धनिया डालेंगे 1 टीस्पून, एक टेबलस्पून हरा धनिया डालेंगे कटा हुआ, अब सबको पानी से मिक्स कर लेंगे। अब हम इन पकोड़ों को फ्राई करेंगे, और फ्राई करने से पहले मैंने इसमें 2 चुटकी बेकिंग सोडा डाल दी थी। इसको 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। अभी इन पकोड़ों को हाफ फ्राई करना है, क्योंकि बाद में हम इनको काट के फिर से फ्राई करेंगे। इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो इन पकोड़ों को फ्रीज कर दें, और इनको 1-2 वीक तक फ्रीज़ किया जा सकता है, लेकिन मुझे अभी बनाने हैं तो मैं इनको काट कर फ्राई करूँगी। काटने के बाद अब इन पकोड़ों को मज़ीद 5 मिनट तक फ्राई करेंगे लो फ्लेम पे। फ्रोज़न पकोड़े हमारे तैयार हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में फ़ीडबैक दीजिएगा।